नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में आपको सिखाने ही जा रहा हूँ कि अगर आपके मोबाइल है, उस मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे फोटोज हो चुके हैं, बहुत सारे वीडियोज हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट आपके हैं और फोन हैंग करता है, तो बेटर ये है कि आप फोन के अंदर से ये फोटो वीडियो निकाल के अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दीजिए और आपका फोन जो है ठीक हो जाएगा। तो कैसे ट्रांसफर करते हैं ना, फोटो वीडियो आपको नहीं आता है, इस वीडियो के बने रहिए, आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपके लाइफ में काम आने वाला है। हाँ, उसके बाद चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों देखिए, ये मोबाइल है ना, मोबाइल फोन के साथ आपको एक मिलता है चार्जर, ओरिजिनल चार्जर। देखिए इसके साथ चार्जर है, अब इसी चार्जर के माध्यम से हम डेटा मतलब फोटो वीडियो ट्रांसफर करेंगे लैपटॉप के अंदर। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, इसको निकाल दीजिए, इसका काम नहीं हमें हमें चाहिए, इसको बोलते हैं डेटा केबल, ठीक है ना। इसी से अगर हम लैपटॉप पे लगा देंगे तो हमारा लैपटॉप चार्ज भी हो जाएगा और इसी केबल से जो है हमारा जो है डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत बार क्या देता हूँ मार्केट के अंदर ना, बहुत सारे लोगों का ये डेटा केबल नहीं होता है, तो जब डेटा केबल खराब हो जाता है तो मार्केट जाते हैं और ये डेटा केबल खरीद के जाते हैं, तो दुकानदार जो होते हैं बेचते हैं ना डेटा केबल, वो क्या करते हैं कि इसमें दो तरीके के तार आता है, एक आता है इसके अंदर दो तार के होते हैं, दो तार एक कहते हैं चार तार के होते हैं। जो दो तार वाला होता है उससे क्या होता है, सिर्फ मोबाइल ये चार्ज होता है, ले समझिए ध्यान से। अगर दो वायर वाला ये केबल रहेगा तो क्या उससे होगा, मोबाइल चार्ज होगा। तो हमेशा जब भी नया डेटा केबल खरीदिए उस दुकानदार से कह दीजिए कि मुझे चार तार वाला डेटा केबल दीजिए, वरना आप ओरिजिनल खरीदिए। क्लियर है, इसके आप समझ चुके, तो चार तार लीजिए तभी डेटा ट्रांसफर होगा। अब देखिए इसको क्या करना है, मोबाइल के अंदर अलग अलग कनेक्टिविटी दी जाती है, इसके अंदर देखिए दिया हुआ है सी टाइप कनेक्टिविटी, ये जो कनेक्टिविटी दिया हुआ, तो हम एक साइड इसको यहाँ लगा देंगे, यहाँ लग जाएगा, और एक हमारा जो लगेगा ये इस साइड जो लगा है हमारे लैपटॉप के अंदर कंप्यूटर के अंदर, इसको बोलते हैं यूएसबी, देख सकते हैं यूएसबी है ये, तो हर लैपटॉप में हर कंप्यूटर के अंदर इसको लगाने वाला जगह दिख जाएगा, ठीक है। आइए लेकर दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए इस लैपटॉप के अंदर एक दो तीन जो है यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, इसे हम पेनड्राइव भी लगाते हैं और इसी के, ये मतलब यूनिवर्सल पोर्ट होता है, जो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं ना आज के डेट में इसी बेस के ऊपर आती हैं, तो आप इस तार को किसी एक में लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसी में लगाना आपको है, क्लियर है। तो देखिए हमने अभी लगाए नहीं है, तो हमने माई कंप्यूटर खोल रखा दिस पीसी, तो यहाँ देखिए दिखा रहा है सी ड्राइव डी ड्राइव, अभी दिखा रहा, लेकिन जैसे हम फोन को लगा देंगे हमारा फोन बन के आ जाएगा। तो देखिए अब कैसे करते हैं, तो हम ये तार को यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, इसमें लगा दिया हमने, यहाँ लगा दिया, लगाने के बाद में फोन देखिए, कभी कभी ये तार लूज हो जाता है, इसको टाइट पकड़ लीजिए, तो लगा दिया हमने तार की। अब देखिए इसके अंदर क्या आ गया, तीन ऑप्शन आ गए, एक आ गया नो डेटा ट्रांसफर, पहला ठीक है, दूसरा फाइल ट्रांसफर है, और थर्ड नंबर है ट्रांसफर फोटो, क्लियर। पहला वाला क्या, इसको टिक कर दूंगा, मतलब तो ये बताएगा कि फोन को चार्ज करेगा इस केबल के माध्यम से, लेकिन आपका जो डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप फाइल ट्रांसफर क्लिक कर देंगे, उसके बाद जो फोटो पे कर देंगे, फाइल ट्रांसफर करेंगे मतलब वर्ड एक्सेल पीडीएफ फाइल अगर ट्रांसफर करना है तो इस पर कर सकते हैं, या कोई फोल्डर कर सकते हैं। और लास्ट वाला ऑप्शन दिया है वो ट्रांसफर फोटोज, मान लीजिए आपके इस मोबाइल के अंदर फोटोज हैं, इस मोबाइल के अंदर आपके वीडियोज हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे हमने तार लगाया है, तो आपका देखिए यहाँ पे एक आ गया है रेडमी नोट 7, दिख रहा है ना आपका, ये फोन का ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं, अभी कहीं क्लिक नहीं किए हुए हैं, तो ये दिखा रहा, क्या दिखा रहा है रेडमी, हम इसमें दो बार जो है क्लिक कर लेते हैं रेडमी के ऊपर, क्लिक किए तो अभी कुछ नहीं, खाली दिखा रहा ना ये, क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, अभी हमको फाइल ट्रांसफर करना है, तो हम फाइल ट्रांसफर क्लिक कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसके अंदर जो है ये रेडमी 7 दिखा रहा है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो आ गया, देखिए एक डिस्क आ गया और एक आ गया इंटरनल मेमोरी आ गया। क्या होता है कि इस मोबाइल के अंदर हमने एक अलग से मेमोरी कार्ड लगा रखा है, तो मेमोरी कार्ड लगा रखा है उसका ये दिखा रखा है कि ये जो है मतलब 59.4 GB का, तो 64 GB का ये लगा हुआ मेमोरी कार्ड का, और फोन के अंदर जो इनबिल्ड होता है वो भी आपका जो है ये दिया हुआ है, मतलब 50 GB दिखा रहा है, 64 GB है, क्लियर है ना, ये दो चीज़ है। अब दोनों लाल दिखा रहा है, मतलब ये बता रहा है कि ये दोनों भर गया है, मतलब खतरे के निशान ज़्यादा है। तो आपको कुछ भी कॉपी करना, मान लीजिए कि इसमें इस डिस्क से कुछ कॉपी करना है, इस पर क्लिक कर लीजिए, क्लिक करेंगे तो ये वाली फाइलें हैं, इन लोगों को कॉपी करना है, तो सिंपल दो ऑप्शन होता है, एक होता है कॉपी और एक होता है कट। अगर मैं राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, मतलब इन सबको जो है चूज़ कर लिया हूँ, देखिए करके चूज़ कर लिया हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, इसमें दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक दिखाई देगा कट और एक दिखाई देगा आपका कॉपी। अगर कट कर दूंगा तो मोबाइल फ़ोन के अंदर से ये सब कट हो जाएंगे और मेरे लैपटॉप में वहाँ पेस्ट करूँगा वो पेस्ट हो जाएंगे, अगर मैं कॉपी भी क्लिक करूँगा तो मेरे मोबाइल फ़ोन में भी रहेगा वो और हमारे जो है कंप्यूटर में हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, दिखाने के लिए कॉपी कर लेता हूँ, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, देखिए हम यहाँ आके इसको हम पेस्ट कर देते हैं, क्लियर है,
देखिए सब मोबाइल से उठ के हमारे यहाँ कॉपी हो गया, हमारे डेस्कटॉप पे आ गए, क्लियर है ना। लेकिन अभी भी क्या होगा, हमारे उस मोबाइल फोन में पड़ा होगा, क्लियर है, हम क्यों कॉपी किए, और वही हम उसको अगर चाहेंगे, अगर हम कट कर देते हैं, क्लिक करते हैं दोबारा दोबारा जो है क्लिक करके इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं, कट करेंगे राइट क्लिक करके कट कर देते हैं। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अभी दोबारा खोलूँगा मैं, अब दोबारा हम इसको एक कहीं पर पेस्ट कर देते हैं, एक फोल्डर बना करके हमने इस फोल्डर के अंदर इसको हमने ऐसे करके हमने पेस्ट कर दिया। देखिए पेस्ट हो रहा है वहाँ से आके, अब क्या हुआ, यहाँ से गायब हो गया, क्लियर है ना। तो कट करेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा, और कॉपी करेंगे तो यहाँ भी रहेगा वहाँ भी रहेगा, ये समझ चुके हैं आप है। तो ये करते हैं, कॉपी और पेस्ट करते हैं अपने मोबाइल को खोल करके, क्लियर है ना, समझ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों ये हो चुका, क्लिक किया हमने और हमको दिखा दिया। तो ये डिस्क किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं इंटरनल मेमोरी कुछ रखा हुआ आपका तो इंटरनल मेमोरी क्लिक कर लीजिए, और फिर यहाँ पे आप देख लीजिए आपका फाइल कहाँ पड़ा हुआ है। बहुत बार आप जो है फोटो खींचते हैं और साइज खींचते हैं तो अलग अलग फोटो DCIM होता है, ये देखिए आपका जो फोटो होता है ना उसमें कैमरा होगा, कैमरे के अंदर फाइल पड़े होंगे, इसको खोल करके आप यहाँ से फोटो ट्रांसफर कर सकते हैं, क्लियर है। बहुत सारे फोटो जो फोटो खींचेंगे आप कैमरे से सब यहीं मिलेंगे आपको, तो यहाँ से कॉपी कर राइट क्लिक करके कॉपी कर लिए, यहाँ पेस्ट करना कर सकते हैं, ये हो चुका है। अब देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं, अब ये दिखा रहा है दो चीज़ दिखा रहा है, डिस्क दिखा रहा है और दिखा रहा है आपका इंटरनल सेल स्टोरेज, क्लियर है ना। तो इसको हम बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं और फिर हम फोन में दोबारा आते हैं। तो अब मैं फोन का तार निकाल देता हूँ, ये मान लीजिए निकाल लिया, निकाल दिया, क्लियर है ना, अब तार निकाल दिया है। अब देखिए हम फिर ये खोलते हैं, दिस पीसी खोलते हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हमको कुछ भी दिखाई नहीं दिखा, मतलब कि हमारा फोन नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियर है ना। अब क्या करता हूँ दोबारा इसको मैं लगा लेता हूँ, दोबारा से लगाता हूँ, देखिए यहाँ दोबारा लगा दिया हमने, थोड़ा टाइट लगा, ये लूज हमारा है तो इसको हमने से लगा दिया, देखिए ये अब आ गया, क्लियर फिर आ गया ना सर, ये आ गया रेडमी नोट 7 प्रो। अब क्या करते हैं हम सीधे क्लिक करेंगे ट्रांसफर फोटो एंड PTP, देखा ना, इस पर हम क्लिक करेंगे नीचे वाले पे, इस पर हम क्लिक करेंगे, तो देखिए आइए हम यहाँ क्लिक करते हैं ट्रांसफर फोटो, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए अब क्या रहा, लिख क्या रहा, रेडमी नोट 7 प्रो कैमरे का साइन बन गया, हमने जिसको क्लिक किया, तो इसको खोलते हैं तो अब देखिए सिर्फ इंटरनल शेयर स्टोरेज खोल रहा है, जब हमने PPT भी क्लिक किया तो सिर्फ ये खोल रहा है, और इसको खोलेंगे इसके अंदर देखिए आपके फोटोज वीडियो, देखिए DC ये खुल गया ना, पिक्चर खुला और DCIM खुल गया, तो इसको क्लिक करके पिक्चर अगर पड़े हुए हैं तो पिक्चर देख लीजिए कहाँ पड़ा हुआ आपका है, क्लियर है। ट्विटर फोटो है कि आपका पिक्सआर्ट पे पड़ा हुआ है, स्कैनर पड़ा हुआ है, इस तरीके से आप यहाँ से कॉपी राइट क्लिक करके किसी से कॉपी करके और फिर लाके डेस्कटॉप पे इसको आप पेस्ट कर सकते हैं। तो फोटो के लिए क्या करेंगे, ट्रांसफर PTP के लिए करेंगे और डॉक्यूमेंट के लिए वो कर सकते हैं, क्लियर है दोस्तों। तो हमारा देखिए ये सिंपल तरीके से जिस प्रकार से हमारा वो हार्ड डिस्क दिखाता है CD/DVD है, तो इस केबल के माध्यम लगाने के बाद में हमारा जो है यहाँ दिखाई दे रहा था, तो ये आ जा रहा, क्लियर है ना। तो मुझे लगता है कि आपके पास कोई फोन हो, कोई फोन भी आपके पास हो, तो उस फोन को अपने लैपटॉप में अपने कंप्यूटर में USB पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर इसका डेटा चाहते हैं आप, है ना, पूरा डेटा मतलब चाहते हैं जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट आपके लिए फोटो या वीडियो, क्योंकि देखिए मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी फोन हैंग कर गया सब डेटा चला जाता है आपका, फिर बाद में कहते हैं अच्छे अच्छे मेमोरी फोटोज पड़े हुए नहीं मिलते हैं, इसलिए बेटर ही हमेशा फोटोज को वीडियोज को अपने लैपटॉप के अंदर कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर लिए। अच्छा कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, ट्राई करिए आ जाएगा, चिंता ना करिए, तो उसको लेकर के आप ट्रांसफर करिए दोस्तों। तो वीडियो बनाकर मैंने आपको कुछ सिखाने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है वीडियो देख करके आपको सीखे होंगे। वीडियो पसंद आपको आया प्लीज को लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगे तो प्लीज को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे दुनिया के अंदर होते हैं ना वो जानते नहीं छोटी छोटी चीजें, इस वीडियो को देखने बाद में वो भी जाने दोस्तों। चलिए आप सब लोग को